लंबी। थैंक यू बेटे, थैंक यू। टूटी मोटी कान, मैं टूटी। चल आओ मैं दूँ। हाँ ऐसे रखो, देखा आप सही किक लगी ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मानली एंड नाबियास व्लॉग। आज की वीडियो पिछली वीडियो से रिलेटेड है, ऊपर कार्ड में आपको नज़र आ जाएगा लिंक उसका। ये मैं नाबिया का खाना बना रही थी, अब हम नीचे दादू के रूम में बैठे खाना खा रहे हैं। सुबह हम सिर्फ खेल के तो ऊपर से वापस आ गए थे नीचे दादू के रूम में, अब हम फिर दोबारा दोपहर का टाइम है अपने रूम में वापस आए हैं। और अरमान अली अपने टॉयज सारे समेट रहा है, पीछे गंदा आपको वैसे ही फर्श पर नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने सफाई नहीं की अभी कमरे की। संडे था तो हमने 12 बजे के करीब नाश्ता किया था और तब तक बच्चों के दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। फिर अनाबिया का सेरेलैक बनाया और अरमान अली के लिए ड्रम स्टिक बना के तो फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो अभी अनाबिया एज़ यूजुअल भाईजन के कलर्स के साथ खेल रही है, पहले तो उसे खेलने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि भाईजन कलर कर रहे थे। अब भाईजन यहाँ पर ड्रम स्टिक खाने लगे हैं और फिर ये खाने के बाद सो जाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं अरमान अली से। क्या करूं? अच्छा फैन ऑन करेंगे तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, फिर आप खा लोगे। चलो मम्मा वैसे ठंडी कर देती है ना। खाओ खाओ खाओ, मेरा बेटा खाए, आराम से खाओ मेरा बेटा। मेरे बेटे किसने जी बेटे कहाँ खाना बोटी खाना? चल आओ मैं दूँ, आओ बोटी दूँ आपको, आप भी बैठो। हाँ कोई बोटी देती हूँ। शाबाश गुड गर्ल, ठीक है। अच्छा चलो भाईजन को तंग ना करना, भाईजन को खाने दो जी बेटे। थैंक यू बेटे, थैंक। अरमान अली केचप के साथ बहुत शौक से खाता है जब अनाबिया, जबकि अनाबिया को नहीं पसंद केचप, अनाबिया वैसे ही शौक से खाती है। यहाँ पर इनके ये खाना खाने के बाद अरमान अली और अनाबिया दोनों सो जाएंगे, इनके बाबा जान बाहर गए हुए हैं किसी काम से और मैंने फिर रूम की सफाई करनी है। मैं ज़्यादातर काम ही दोनों बच्चों को सला के, खसूसा अनाबिया को सला के फिर काम करती हूँ। वीडियो का ये पिछली वीडियो का ही पार्ट है, बाद में शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा था कि आप कम्प्लीट वीडियो देख लेंगे। ऐसे बच्चों के सोने तक मैं रूम की सफाई कर चुकी थी और नाबिया थोड़ा सा सो के तो उठ चुकी है, अब ये खेल रही है और मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। अचानक मुझे याद आया कि ये पता नहीं किधर चली गई और ये जूते के रैक से ना जूते निकाल के तो खेल रही है उनके साथ। ये कोई शाम 4:45 का टाइम है और इनके बाबा जान भी आके तो सो गए थे और अरमान अली के साथ ही, और नाबिया और मैं जाग रहे हैं। अब इसको इधर ला के बैठाऊँगी, वो कपड़े पड़े हुए मैं प्रेस कर रही थी, अब ये फिर उठ के चली जाएगी। कहाँ जा रही हो अब, ये कहाँ जा रही हो? चलो इधर बैठो बहना। नो बहना, नो 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 नो, आ जाओ बाबा जान इधर है, इधर है बाबा जान, आओ आप। या क्या करती हो आप? मुझे पता है ये जूता है बहना। चलो उठो चले, मुझे पता है ये जूता है, चलो आप उठो। चलो बेटे आओ चले गुड़िया, चलो आओ चले, आ जाओ आप ही आओ आओ। अभी ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम है, अरमान अली सो के उठ गया था, इसके पापा जान अभी सो रहे हैं, वो थके हुए थे ना, सैटरडे को वो हमें लेने के सूट चले जाते हैं तो फिर संडे ही उनके पास रेस्ट का होता है, फिर उसमें काम भी करना होता है रेस्ट भी। तो ये मैं अरमान अली को अपना फुटबॉल खेलना सिखा रही थी, अरमान अली को बॉल से खेलने का बहुत शौक है। बहना इधर आ जाओ, बहना कम हेयर, बहना आ जाओ, जो अरमान अली सीधा रखे बेटे, फिर ऐसे करो बेटे, अपने सामने सीधा रख के, मम्मा ने कहा था। हाँ ऐसे रखो, देखा आप सही किक लगी ना। ये जी मैंने आपके साथ अपनी कंप्लीट 2 पार्ट्स में संडे रूटीन शेयर किया, काफ़ी चीज़ें अभी इसमें से मिसिंग थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसी वजह से फिर मैंने ना स्किप कर दी।
किसी दिन आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर करूँगी एक ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।